नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि मैं अभी कुछ दिनों से आपको भावार्थ रत्नाकर की सीरीज पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं भावार्थ रत्नाकर में सीरीज में ही आगे चलाते हुए कर्क लगन और मिथुन लगन के बारे में आपको बताऊंगा कि उनमें क्या विशेष बातें ध्यान देने वाली होती हैं। जब भी आप मिथुन लगन वालों की या कर्क लगन वालों की कुंडली देखें तो क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आगे बताता हूँ आपको। आप इसको प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं मैं, ताकि आपको पता रहे। स्क्रीन में शेयर कर देता हूं ये इधर से। ये एक प्रेजेंटेशन है मिथुन लगन के लिए बनाया है। इसमें इसमें अगर देखें तो इसमें ये श्लोक है, पहला श्लोक जो लिखता है कि तृतीयस्थो रवि बुधो बुधदाय समागमे बुधो योग प्रदसत्य युग्म जातस्य भाग्यदाय। यदि मिथुन लग्न में जन्म हो और सूर्य बुध तृतीय भाव में बैठे हों तो बुध अपनी दशा में भुक्ति में बहुत धन देता है। ऐसा कैसे देता है धन? ये देखिए कि सूर्य बुध तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इसके अंदर सूर्य क्या है, सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, और तो सूर्य इसके अंदर स्ट्रांग है। थर्ड भाव में जो उपचय भाव होते हैं उसमें क्रूर ग्रह बहुत स्ट्रांग रहता है, तो सूर्य इसमें स्ट्रांग है और सूर्य तीसरे भाव का स्वामी पराक्रमेश है। बुध इसमें लग्नेश है, तो सूर्य बुध जो है वही फल ले लेगा जो दूसरा ग्रह साथ बैठा हुआ है उसके अनुसार भी कार्य करेगा। तो बुध इसको यहाँ पे पूरा सपोर्ट करेगा, और बुध की दशा या भुक्ति में, बुध की अंतरदशा चल रही हो या बुध की महादशा चल रही हो, तो उसमें बहुत धन देने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। दूसरा श्लोक कहते हैं भृगु भौमन देवे खेटा धन स्थाने स्थिता यदि। भृगु मीन्स शुक्र, भौमे मीन्स मंगल, एंड देवे चंद्रमा। यदि शुक्र मंगल और चंद्रमा द्वितीय भाव में कर्क राशि में स्थित हों तो शुक्र अपनी दशा भुक्ति में अच्छे धन को प्राप्त करता है। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसमें ये कहते हैं कि यदि शुक्र मंगल और चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित हो तो शुक्र अपनी दशा भुक्ति में अच्छे धन को प्राप्त करता है। कैसे? देखिए, मिथुन लगन वालों के लिए मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कहाँ पड़ती है? लाभ भाव में पड़ती है। तो मंगल बेसिकली इस कुंडली में लाभेश है, जो धन भाव में बैठा हुआ है। चंद्र धनेश पड़ता है, तो चंद्र धनेश भी वहीं पर है। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है, तो शुक्र पंचमेश की तरह भी काम कर रहा है, तो पंचमेश भी वहां है। ये तीनों भाव, मतलब आपका धनेश हुआ या आपका पंचमेश हुआ या आपका लाभेश हुआ, ये तीनों भाव धन से संबंध रखते हैं। और पीछे मैंने आपको नियम बताया था कि जब दो या दो से तीन अधिक ग्रह एक साथ ऐसे बैठे हों जो किसी एक ही चीज को इंडिकेट करते हों तो उसकी बहुत वृद्धि होती है। तो इसलिए इनकी दशा में, शुक्र अपनी दशा में बहुत अच्छे धन की प्राप्ति आपको देगा, ये इसके अंदर आपको याद रखना है। इससे अगले श्लोक पे चलते हैं। मिथुने जय मानस्य धरा सुनर्धने स्थित है शनि चंद्रा वस्तमस्तो शनिर्दाय समागमे शनिस्त्र मिश्र फल दय कुलदायो समागमे धन योगो भवत्ये जातकस्य न संचय। इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं यदि मंगल द्वितीय भाव में कर्क राशि में स्थित हो, मंगल तो कर्क राशि में आ गया, यानी मंगल बेसिकली द्वितीय भाव में स्थित होके कर्क राशि में तो नीच का हो जाता है। शनि और चंद्र अष्टम भाव में हो, और शनि और चंद्र अष्टम भाव में चले गए। शनि वैसे अपनी ही राशि में बैठा है, मजबूत है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है, तो शनि अपनी दशा में मिश्रित फल देगा, परंतु मंगल अपनी दशा में अवश्य धनदायक सिद्ध होगा। ये कैसे प्रिंसिपल हुआ? ये एक देखने वाली बात है कि मंगल और मंगल द्वितीय भाव में कर्क राशि में हो, शनि और चंद्रमा अष्टम भाव में हो, और शनि अपनी दशा में मिश्रित फल देगा। कैसे देगा? मंगल शनि और चंद्रमा, अगर आप मंगल शनि और चंद्रमा को देखें तो मंगल क्या है? मंगल लाभेश है, उसकी मूल त्रिकोण राशि ग्यारहवें भाव में है। शनि क्या है? शनि नवमेश है। चंद्रमा क्या है? धनेश है। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल शनि और चंद्रमा क्रमशः एकादशेश, नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण धन के प्रतिनिधि हैं। ये तीनों ग्रह धन के प्रतिनिधि हैं, और ये आपको बताया है कि दो या दो से अधिक ग्रह अगर एक ही चीज को इंडिकेट करते हो तो धन की, देखिए और कोई चीज में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो चीज अलग है कि मंगल नीच का होने की वजह से या चंद्र शनि की दृष्टि होने की वजह से कुछ और प्रभाव पड़े, वो चीज अलग है। लेकिन जिस चीज के ये तीनों एक कारक हैं, वो तीनों इकट्ठा एक साथ संबंध बन रहा है इनका, क्योंकि दोनों ये देख रहे हैं, तो ये धन तो देंगे, धनदायक सिद्ध होंगे। मंगल की दशा में धन जरूर मिलेगा आपको। तो ये एक अब बात ध्यान देनी है कि कुछ और परिणाम तो हो सकते हैं। चंद्र शनि, शनि मंगल को देख रहा है,
मंगल शनि को देख रहा है, चंद्रमा मंगल को देख रहा है, चंद्रमा वैसे अपने घर को देख रहा है, स्वयं अपने घर को देख रहा है, तो भाव बहुत मजबूत है ये वाला। मंगल वहां बैठा है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है, लाभेश है, तो लाभेश जिस भाव में जाएगा उस भाव की वृद्धि करेगा। तो सीधी सी बात है, मंगल की दशा में वृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, दशा में वृद्धि होनी होनी है। और शनि की दृष्टि है उसपे, तो शनि की दृष्टि उस पर असर क्यों डाल पा रही? आप कहेंगे कि शनि की दृष्टि वहां पड़ने से उसमें लाभ, उसके धन में कमी आनी चाहिए या धन रुक रुक के आना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि शनि भी आपका मूल त्रिकोण राशि उसकी नवम भाव में है, शनि नवमेश है, और शनि भी धन को इंडिकेट करता है। तो जब एक धन को इंडिकेट करने वाला ग्रह एक धन को इंडिकेट करने वाले ग्रह पर दृष्टि डालता है तो उसको बढ़ाता है, ना कि उसको घटाता है। तो धन के मामले में इसको बढ़ाएगा, और किसी मामलों में पारिवारिक कुटुंब के मामले में, पारिवारिक संबंधों के मामले में इसको जरूर थोड़ा नेगेटिव ले जा सकता है, लेकिन धन के मामले में मंगल की दिशा में धन बहुत अच्छा मिले। फिर कहते हैं मिथुन जायमानस्य कुछ चंद्रो तु लाभ को, मिथुने जायमानस्य कुछ चंद्रो, कुछ मीन्स कुछ का तो आप पता ही है, मंगल है, चंद्रो मीन्स चंद्रमा है, और लाभ को लाभ भाव में हो, यानी मंगल और चंद्रमा लाभ भाव में हो, भाग्यस्तो यदि वा मंदो, और भाग्य भाव में शनि हो, मंदो बोलते हैं शनि को, तो विशेष धन योग है। तो ये विशेष धन योग वाला होता है। ये कैसे धन योग वाला होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आपको आइडिया रहे। चंद्रमा और मंगल यदि एकादश भाव में हो और शनि नवम भाव में हो तो विशेष धन योग मिलता है। इसमें क्या है, चंद्रमा और मंगल जो हैं दोनों धनेश और लाभेश बनते हैं। चंद्रमा भी आपका धनेश है, मंगल भी आपका लाभेश है। तो देखिए कितने, मतलब ये सिद्धांत ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जो नॉर्मली किसी एक खास लग्नी कुंडली में लगते हैं और जगह लग नहीं पाते। यही कुंडली में कि ये अगर ये ग्रह ऐसे बैठे होते किसी दूसरे लग्नी कुंडली में तो इस तरह के रिजल्ट नहीं मिल पाते, लेकिन इस कुंडली में ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं मिथुन लग्न में, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ग्रह साथ बैठे हैं वो दोनों एक ही भाव चीज को इंडिकेट करते हैं। चंद्रमा भी धन को इंडिकेट करता है, मंगल भी धन को इंडिकेट करता है, लाभ भाव को इंडिकेट करता है, तो दोनों एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। और शनि जो है वो मूल त्रिकोण राशि में उसकी है, तो शनि की दृष्टि भी वहां पे बढ़ाएगी। आप ये मत सोचिए कि शनि की दृष्टि वहां पे ग्यारहवें भाव पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जीव को हानि पहुंचा सकती है, यानी बाड़े भाई से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, वो चीज अलग है। लेकिन शनि भी नवमेश है और नवमेश भी धन का द्योतक होता है, धन का इंडिकेटर होता है। तो जब एक धन के इंडिकेटर की दूसरे धन के इंडिकेटर्स पर दृष्टि पड़ती है तो वो उसके धन को बढ़ाएगा। तो धन तो यहाँ बढ़ेगा, विशेष धन की प्राप्ति होगी, वो बिल्कुल ठीक बात है। पर हो सकता है कि बड़े भाई से या जो इंटरनेशनल रिलेशन हो आपके उनमें प्रॉब्लम हो, छोटी मोटी तकलीफ हो, बड़े भाई से रिलेशन आपके इतने अच्छे ना हो, लेकिन धन की वृद्धि होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इससे आगे श्लोक में चलते हैं। ये श्लोक कहता है मिथुन जायमानस्य बुधो लाभ स्थितो यदि ज्येष्ठ भात्रे विरोधस्तु जातकस्य भवे ध्रुवम्। दसवां श्लोक है ये भावार्थ रत्नाकर का। वो कहता है यदि बुध एकादश भाव में मेष राशि में हो, बुध एकादश भाव में मेष राशि में हो तो जातक का निश्चय ही अपने बड़े भाई से विरोध होगा। वो कैसे? देखिए बुध जो है वो क्या है, बुध आपका सुख भाव का स्वामी है, लगन भाव का स्वामी है, यानी लग्नेश आपका ग्यारहवें भाव में गया है। तो लग्नेश ग्यारहवें भाव में जाने का मतलब तो ये है कि आप अपने भाई से बनाकर रखने की कोशिश करेंगे और अपने भाई की सेवा करेंगे, क्योंकि लग्नेश वहां पे गया है, लेकिन गया है शत्रु राशि में। तो शत्रु राशि में होने के कारण बड़े भाई की तरफ से विरोध होगा, ना कि आपकी तरफ से। आपकी तरफ से विरोध नहीं होगा क्योंकि आप तो वहां गए हैं, उनके अधीन गए हैं, उनकी सेवा करने गए हैं, लेकिन बड़े भाई के कारण, क्योंकि बुध जो है वो आपका इस राशि में है, शत्रु राशि में है, तो इसलिए बड़े भाई के कारण उसका विरोध हो सकता है। तो ये मिथुन लग्न कुंडली में ये वाली बात भी ध्यान देने वाली बनती है।